वीर बलिदानियों को किया गया नमन। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत मंगलवार को विकास खंड के परिसर में 121 ग्राम पंचायतों की मिट्टी गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा के रूप में ब्लॉक परिसर में लाई गई। यात्रा में सैकड़ों वाहनों से आए ग्रामीण ब्लॉक परिसर में एकत्रित हुए, जहां अमृत कलश महोत्सव का आयोजन था। महोत्सव में विधायक जय प्रताप सिंह ने वीर बलिदानियों को नमन किया, उनके विचारों को साझा किया। सांसद जगदम्बिका पाल ने सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हर घर के आंगन से लाई गई इस मिट्टी को लखनऊ से दिल्ली जाएगा। सांसद व विधायक ने बाल विकास परियोजना के CDPO प्रियंका वर्मा के साथ गोद भराई कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई के साथ ही बच्चों का अन्नप्राशन करवाया। खंड विकास अधिकारी सतीश सिंह, सांसद प्रतिनिधि SB अग्रवाल, सांसद प्रतिनिधि प्रिंस शर्मा, मुरारी सिंह, अमरेंद्र प्रताप सिंह, प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर दशरथ चौधरी, प्रधान संघ अध्यक्ष दिनेश धर उर्फ पिंटू दुबे, विजय सिंह पाल, चंद्रिका मिश्र, राजेंद्र पांडे, राजेंद्र त्रिपाठी, जोगी बाबा आदि उपस्थित रहे। आंगन से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी या हमारे उत्तर प्रदेश में एक एक गांव के सम्मानित प्रधान सेक्रेटरी हर आंगन से एक चुटकी मिट्टी या जिस आंगन में पक्का है तो वहाँ एक चुटकी अक्षत संग्रह कर रहे हैं। आज इस मिठवल विकास खंड के प्रांगण में ये पूरे मिठवल के 121 गांव सभाओं से आए हुए उस कलश का हमने अपने उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री जय प्रताप सिंह जी, दशरथ चौधरी जी, हम सब ने उसका स्वागत किया, इस माटी का नमन किया, वीरों का अभिनंदन किया और ये आज सभी गांव सभाओं से ब्लॉक पर संग्रह हुआ है, समापन नहीं है। इसी तरह से जिले के 14 विकास खंडों पर संग्रह करने के बाद ये जिले से 25 तारीख को ब्लॉकों से जिले पर जाएगा, जहां वहां पे इसका स्वागत किया जाएगा और फिर इसके बाद प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जाएगा, जहां उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी इसका स्वागत करेंगे और फिर पूरे देश के राज्यों से ये हर घर की जो चुटकी मिट्टी को कलश में एकत्र करके देश की राजधानी दिल्ली में जाएगा। यहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज़ादी के अमृत महोत्सव पर स्वयं इसका स्वागत करेंगे। इसका तात्पर्य है कि हम उन अपनी माटी का नमन कर रहे हैं जिस माटी में हम पैदा हुए, जिस माटी में पले बढ़े और जो भारत की माटी आज चंदन बनकर के पूरे विश्व में सुगंध कर रही है। आज आप देख रहे हैं हमास का इजराइल पे हमला, यूक्रेन का रूस का, लेकिन आज इस भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा है कि पूरे देश में लोगों में राष्ट्रभक्ति किस तरह की है कि आज हमारे पड़ोसी चाहे पाकिस्तान हो चाइना हो वो हमारी तरफ आँख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो हम आने वाली पीढ़ियों को अनुप्राणित कर रहे हैं अपने उन शहीदों के बलिदान से, याद करा रहे हैं उनकी कुर्बानियों से भविष्य की देश की एकता और अखंडता की एक गुटता के लिए कर रहे हैं। तो ये आज का मिठवल का कार्यक्रम उसी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अमृत महोत्सव में जिस तरह से अमृत सरोवर बना, जिस तरीके से शिला फलकम लगा, तिरंगा यात्रा निकला, अब हम हर घर घर के एक एक चुटकी माटी देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ में जो अमृत वाटिका बनेगी वहाँ मिठवल के भी हर गांव की एक चुटकी मिट्टी उस अमृत वाटिका में होगी।